हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग भारत सरकार द्वारा मऊ जिले के सोनी धापा इंटर कॉलेज के मैदान में स्पेशल हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे उद्योग चलाने वाले व्यापारियों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों को सेल के लिए लगाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। बताते चले कि इस हैंडलूम एक्सपो में हैंडलूम द्वारा निर्मित कंबल, रजाई, चादर, कपड़े, शर्ट, साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हैंडलूम के उत्पादों को बढ़ावा देने और बिक्री के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 22 दिसंबर तक रहेगी। मऊ से HN आजमी की रिपोर्ट। क्या है हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के तत्वावधान में ये 8 दिसंबर से 22 दिसंबर तक इस जीवन राम विद्यालय कैंपस में प्रदर्शनी लगाई गई है। और जो मैं देख रहा हूँ, स्थानीय उत्पाद जो कि सिलेक्ट भी किए गए हैं, जैसा आप बता रहे थे अधिकारीगण, मुबारकपुर से, गाजीपुर से, और यहाँ पर मऊ के जो है साड़ी जो यहाँ बनती रहती है, अब एक जगह है, लोगों को एक तो प्रदर्शनी है, देखें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदें। और बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद दिखाई दिए, खासतौर से वॉल हैंगिंग, कंबल, साड़ियाँ, और रिजनेबल रेट्स में भी मुझे नज़र आए, इसलिए कि जो ग्राहक की परचेजिंग कैपेसिटी उसके हिसाब से सप्लाई भी बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण रहता है उत्पाद की गुणवत्ता, और मैं तो समझ रहा हूँ कि पहले भी लगती रही होगी ये प्रदर्शनी, तो लोगों को पता भी होगा कि यहाँ जो बातें कही जा रही हैं वही उत्पाद दिए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है और मऊ जिले के और शहर के लोगों को एक अच्छा सा अनुभव मिलेगा, और खरीदारी के लिए लोग आएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं।